हाय, आई एम डेविड सिंह रावत एंड यू आर वाचिंग DW ऑल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं इस घर पर आया हूँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और ये इनकी फैमिली के लोग हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर होगा जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो आगे देखिए आप लोग। ये है बहती कॉलोनी जहाँ पे मैं आज आया हूँ, और इससे आगे एक गांव और आता है जिसके नाम से जाना जाता है। वो गांव का नाम है धुलिया पलिया के नाम से। घर हैं कुछ इस तरह से है, यहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा है, गांव वाले लोग यहाँ पे सभी के सभी, और जिनके घर पे जाना है मुझे वो आई थिंक सो ये रहा वो गली। ये गली है वो, और यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे लोग बसे हुए रोड के दोनों साइड, और चारों ओर देखेंगे तो पूरा खेती बाड़ी है। और यहाँ से खेत अगर पार करते हैं तो वो नेपाल वाला बॉर्डर आ जाता है, बीच में नदी है काफ़ी बड़ी तो वो नेपाल आ जाता है उसके बाद। और अब चलते हैं यहाँ पे जिसके घर पे मैं आया हूँ आज। पेशेंट थे जो अब ठीक हो गए, बट उनसे ही पूछना है कि क्या कैसे ठीक हुए, कितना दिन दवाई चला, और पहले कहाँ दिखाया था, क्या बताया था, वो सब चीज़ें। वो ये वाला गली था, एक्चुअली मैं गलती से वहाँ पे बंगाली कॉलोनी में चला गया था। वो ये वाला गली जहाँ पे वो लास्ट में बच्चे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, ये वाली गली है। सामने आगे पूरी खेती बाड़ी है, और पीछे से कुछ ऐसा यहाँ पे घर है लोगों के। मैं यहाँ पर जो आया हूँ, इस जगह का नेम है बहती कॉलोनी, है ना आंटी? हाँ। बहती कॉलोनी है, और ये इससे पहले गांव आता है, गांव का नाम क्या है वो? धुरिया पलिया, जो यूपी में है। और यहाँ पे रास्ता 22 पुल, जब हम लोग मेला घाट की तरफ जाते हैं खटी माँ से होते हुए वहाँ से। और आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमारा जो अस्पताल है श्री हिमालय गुरु आरोग्य धाम, जो टनकपुर आमबाग रोड चंपावत डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं उत्तराखंड इंडिया में है, और उसको खुले हुए 10 साल हो गए, आयुर्वेदिक अस्पताल है। उस अस्पताल में शरीर के जितनी तरह की बीमारियां होती है वो सभी के सभी गारंटी से ठीक हो जाता है, टूट फूट एक्सीडेंटल केस छोड़कर। तो आज मैं यहां पर आया हूं, ये आंटी जी बैठी हैं और इनके ये बच्चे हैं, बाकी सब बच्चे इन्हीं के नहीं हैं, बाकी इधर उधर के हैं, पड़ोसी हैं, दो बेटियाँ इनके हैं। और इन बेटियों में से जो ये बड़ी वाली बेटी है, आपका नाम क्या, बहन क्या नाम? पूजा इनका नाम है। इनको कुछ तकलीफ हो गया था और 3-4 साल से दवाई खा रहे थे। वो सभी चीज़ें मैं इन्हीं के मुंह से या इनकी माताजी बताएंगी, क्या तकलीफ थी, कैसे ठीक हुआ था, ये सभी चीज़ें।
ये यहाँ के इस तरह के घरें हैं, वही है कि लोग दिहाड़ी मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं। आंटी, आपकी बेटी को जो ये पूजा है, इन्हीं को ही हुआ तकलीफ था ना? पूजा क्या तकलीफ था और कब से तकलीफ था? अरे कम से कम इसके हो गया 2 साल। जी, 2 साल से इनकी दवा चल रही है। हाँ जी, हाँ, इधर उधर दवा चलाते रहे, डॉक्टरी में कोई डॉक्टर लोग पकड़ ही नहीं पाते थे। फिर इसके बाद वो खटीमा लेके गए, खटीमा में कितना दिन लेके भर्ती थे, वहाँ पर भी नहीं सही हुआ। नहीं, क्या बताया, जहाँ भी जितना भी घुमाया आप लोगों ने, डॉक्टर ने क्या कहा कि क्या हुआ है? खाली हार्ट का मरीज बता रहे थे कि हार्ट का मरीज। हाँ, हार्ट इनके। और लगभग कितना अंदाजे से कितना दवाई खिला दिया, कितने साल से आप लोगों ने? कम से कम ना 52 से इनका 2-1.5 साल से दवा चल रही है। 1.5-2 साल से हार्ट का? हार्ट का। ठीक है, उसके बाद फिर? फिर इसके बाद फिर वहाँ लेके गए टनकपुर। टनकपुर गए? हाँ, टनकपुर। वहाँ नाम नहीं ध्यान है, उनको पता होगा पूजा को। अस्पताल का नाम? अस्पताल का नाम बताओ। ठीक है, तो आंटी वहाँ पे जो टनकपुर में अस्पताल था, हाँ, क्या नाम था अस्पताल का नाम? आरोग्य धाम, श्री हिमालय गुरु आरोग्य धाम ना। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर कौन मिले? डॉक्टर केपी पांडे। वहाँ पे केपी पांडे, ठीक है, डॉक्टर केपी पांडे वही है। और अस्पताल को खुले हुए लगभग 10 साल हो गया। ठीक है, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या कहा उन्होंने कि आपको, अब आप तो बाहर से डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको हृदय की बीमारी, हार्ट पेशेंट है ना आंटी, यही तो बताया था जो आप कह रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा जब टनकपुर गए, उन्होंने क्या बीमारी बताया? हार्ट की बीमारी नहीं बताया, वो गैस की बीमारी बताया कि गैस चढ़ गया। अच्छा, गैस चढ़ा कहा। उस वक्त कितने महीने खाने के लिए बोला था दवाई? 2 महीने में ठीक हो गए। 2 महीने चला, ठीक हो गए। अभी कोई दवाई तो नहीं चल रही है? नहीं। ओके, और अब कैसा लग रहा है आपको? पूर्ण रूप से स्वस्थ है? हाँ। मतलब कुछ रह तो नहीं गया कि नहीं अभी कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं YouTube पर, Google पर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं टनकपुर अस्पताल के बारे में? हालांकि आंटी आप बताइए, शायद पूजा तो बोल नहीं पा रही है। देखिए क्या होता है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं ना वीडियो पर, ऑनलाइन वीडियो YouTube पर कुछ बता रहे हैं, तो इससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा कि लोग गलत जगह नहीं पहुंचेंगे। जैसे आपकी बेटी ने, आपकी बेटी ने 2-3 लाख रुपये आपने दिहाड़ी मजदूरी करके भी, जैसे तैसे कमा के भी वो पैसा आपकी बेटी पे लगाया, लेकिन जहाँ भी ले गए सही जगह नहीं पहुँचे आप लोग, यही तो है। तो क्या कहना चाहते हैं आप वीडियो पर जो भी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं टनकपुर अस्पताल के बारे में? यही है, टनकपुर अस्पताल के बारे में जो भाई मरीज हैं जी, अब उन लोग को भाई वहाँ पर जाएं, वहाँ पर सही हो जाएं, उन लोग को बढ़िया ही रास्ता बताएंगे। सही बात है, पैसा भी कम लगेगा। देखिए नहीं, पैसा की तो बात मत बोलिए, क्योंकि पैसा चाहे ज्यादा लगे ठीक, कम लगे, आदमी क्या चाहता है, आदमी आंटी, आदमी ठीक होना चाहता है, ठीक होना चाहता है ना। आदमी क्या कहता है कि 1,000 की जगह 2,000 ले लो, यही तो कहते हैं नॉर्मल आदमी, है ना। तो ये चीज है, तो मतलब आप ठीक है, स्वस्थ है ना? ठीक है, स्वस्थ रहे हमेशा। सो जैसा कि अभी मेरी इनसे बात हुई थी, यहाँ पूजा जो बहन है, जो पेशेंट थी, अब तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो ऐसे ही मैं हर किसी को यार, हर हमेशा यही कहता हूँ कि हर आदमी स्वस्थ रहे, और भाई वही कि आदमी को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अस्पताल के, स्पेशली अस्पताल के बारे में। नॉलेज अगर नहीं होगा तो जैसे कि आंटी लोग जैसे तैसे पैसे कमाते बेचारे, दिहाड़ी मजदूरी करके, धूप छाँव बारिश में जा कर के भी, घर वाले अंकल तो है नहीं यहाँ पे, और भाई भैया भी नहीं यहाँ पे, तो उस पैसा को जमा करने के बाद अगर उल्टा सीधा पैसे जगह लग जाए तो कितना तकलीफ होता है। और 2-2.5 साल के बाद, 2-2.5 महीने से टनकपुर अस्पताल में श्री हिमालय गुरु आरोग्य धाम से जो मिस्टर पांडे जी वहाँ पे, केपी पांडे डॉक्टर है, वहाँ से 2.5 महीना दवाई चला, आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और इनके घर पे मैं स्पेशली इसीलिए आया हूँ, फीडबैक लेने के लिए कि हाँ कैसे हैं, क्या हैं। और एक बार मैं पूरा चारों तरफ दिखा देता हूँ कि यहाँ की गांव की हालत कैसी है।
अब ऐसे में यार कोई डॉक्टर क्या कोई भी लूट लेगा, कितना बुरा लगता है। और आज के वीडियो में यही कहना चाहता था, और आज का वीडियो पसंद आया हो तो क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।